गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे मैथ का? प्लेइंग विथ नंबर्स, ये हम लोगों का चल रहा था चैप्टर। दो एक्सरसाइज हो चुका था, 3.1 और 3.2। तो आज हम लोग 3.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3.3 वाला जो एक्सरसाइज है ना, वो डिविजिबिलिटी के ऊपर है। किसके ऊपर है? डिविजिबिलिटी के ऊपर। डिविजिबिलिटी मतलब एक नंबर देख के तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तुमको डिवाइड नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ नंबर देख के उसको मालूम करना है कि यह नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। उसको डिवाइड नहीं करना है, पहले देख के बताना है कि हाँ ये वाला नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा या फिर ये वाला नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। सिर्फ देख के मालूम करना है, देख के बताना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3.3 एक्सरसाइज वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय टू। डिविजिबिलिटी बाय टू मतलब दो से डिविजिबल होने के लिए, एक नंबर को दो से डिविजिबल होने के लिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक नंबर दो से डिविजिबल होता है, कब दो से डिविजिबल होगा, कैसे पहचानेंगे हम लोग, ठीक है। तो दो से डिविजिबल होने के लिए याद रखना, जो वंस डिजिट है ना उसको जीरो या तो इवन नंबर होना पड़ेगा। जो वंस डिजिट है मतलब नंबर का जो वंस डिजिट है, इस वंस डिजिट को या तो जीरो होना पड़ेगा या तो कोई इवन नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं। देखो मान लो हम बोले 298, ये एक नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर दो से डिविजिबल होगा, क्यों होगा? हम क्या बोले, देखो एक नंबर का जो वंस डिजिट है वो या तो जीरो होगा या तो इवन नंबर होगा। अब इस नंबर का वंस डिजिट कौन सा है? ये वाला तो वंस डिजिट है, ये वाला टेंस डिजिट है, ये वाला हंड्रेड डिजिट है। ये तो हम लोग करते हैं ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ऐसे करके तुम करोगे। तो वंस डिजिट कौन सा हुआ? एट हुआ, ठीक है। अब इस वंस डिजिट को तुम देखो, ये जो वंस डिजिट है ना, या ये तो जीरो होगा वंस डिजिट या तो कोई इवन नंबर होगा, ठीक है। तो देखो वंस डिजिट में एट है, एट तो एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन सा नंबर है? इवन नंबर ऐसा नंबर है जो दो से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर को हम इवन नंबर तभी बोल सकते हैं जब वो नंबर दो से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आठ क्या दो से डिविजिबल होगा? टू फोर जार एट, ठीक है। मतलब आठ इवन नंबर हो गया। आठ अगर इवन नंबर है तो 298 क्या दो से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात? तो हम क्या देखेंगे, मेरा जो वंस डिजिट है वो जीरो है या इवन नंबर है। अगर वंस डिजिट तुम्हारा जीरो है या इवन नंबर है तो तुम्हारा दो से डिविजिबल होगा नंबर, और कुछ दिखने का तुम्हें जरूरत नहीं है। सिर्फ वंस डिजिट को चेक करो कि ये जीरो है या दो से डिविजिबल, मतलब ये जो वंस डिजिट है ये जीरो है या इवन नंबर है। अगर ये जीरो है या इवन नंबर है तो तुम्हारा जो नंबर है वो नंबर दो से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। जैसे उस हिसाब से देखो 100, ये भी तुम्हारा दो से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो जो वंस वाला डिजिट है ना वो जीरो है। तो वंस डिजिट को जीरो होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम बोलेंगे 206, ये भी तुम्हारा दो से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो वंस डिजिट है वो देखो 6 है, 6 एक इवन नंबर है, क्योंकि 6 दो से डिवाइड कर सकते हो तुम। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर दो से डिवाइड होगा उसी को हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। तो उस हिसाब से 6 भी इवन नंबर है, क्योंकि 6 तो दो से डिविजिबल होता है। मतलब 6 अगर इवन नंबर है तो वंस डिजिट इवन नंबर है, अगर वंस डिजिट इवन नंबर है या जीरो है तो वो दो से डिविजिबल होता है। मतलब 206 क्या दो से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे 395, ये दो से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वंस डिजिट है ना ये जीरो भी नहीं है और इवन नंबर भी नहीं है, क्योंकि 5 तुम्हारा इवन नंबर नहीं है, 5 तुम्हारा दो से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 5 इवन नंबर नहीं है, 5 तुम्हारा एक ऑड नंबर है। जो नंबर दो से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर है, मतलब 5 तुम्हारा ऑड नंबर है, ठीक है। मतलब ये 5 ऑड नंबर है, मतलब क्या है, ये 395 दो से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि दो से डिविजिबल होने के लिए वंस डिजिट को या तो जीरो होना पड़ता है या तो इवन नंबर होना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, ये दो का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एक नंबर कब थ्री से डिविजिबल होगा? देखो एक नंबर थ्री से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर में जितना डिजिट है ना उस डिजिट का सम को देखना होगा कि वो थ्री का मल्टीपल है या नहीं है। मतलब क्या, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। मतलब जो नंबर तुम लिए हो उस नंबर में जितना डिजिट है उसको पहले तुम सम करोगे, जोड़ोगे, उसके बाद उसको देखोगे, सम को देखोगे कि वो सम थ्री से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सम थ्री से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर थ्री से डिविजिबल होगा,
ठीक है। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं, जैसे मान लो हम बोल दिए 3, 2, 4, हम बोले ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करो। तो ठीक है, तो ये तो 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है, तो तुम करोगे क्या, पहले 3 से डिविजिबल होने के लिए चेक करने के लिए करोगे क्या, ये नंबर में जितना डिजिट है उसको पहले जोड़ोगे, ऐड करोगे। तो डिजिट क्या क्या है, 3 है, 2 है और 4 है, जोड़ो इसको, कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा सम है डिजिट्स का। अब ये सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तभी नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो ये सम तुम्हारा 3 से तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 3 9 होता है। अगर तुम ये सम देखोगे, ये सम 9, ये तो सम है तुम्हारा, ये सम तो तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये तो 9 है, और 9 3 से डिविजिबल होता है, मतलब सम 3 से डिविजिबल होगा। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मतलब तुम्हें करना क्या है, जो नंबर दिया है उसको पहले डिजिट को जोड़ोगे, सम निकालोगे उसका, उसके बाद तुम सम को देखना ये सम 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर सम डिविजिबल 3 से नहीं है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद और एक नंबर ले लो, मान लो हम लिए 3 0 5, चेक करो ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो डिजिट को ऐड करो पहले, 3 + 0 + 5, इसका सम कितना आता है, 8। तो ये जो सम है ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 3 का टेबल में कभी भी 8 नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी तुम 8 को 3 से डिविजिबल करने जाओगे तुम्हारा 3 2 6, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम डिविजिबल नहीं बोल सकते। तुम डिविजिबल किसको बोलोगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी उसको हम डिविजिबल बोल सकते हैं। यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, मतलब 8 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब सम डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, चलो उसके बाद आते हैं डिविजिबल बाई 6। देखो डिविजिबल बाई 6 बहुत ईजी है। ठीक है, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे हम डिविजिबल बाई 6 का रूल पढ़ा रहे हैं तुमको, क्योंकि कोई नंबर तुमको कैसे पता चलेगा कि 6 से डिविजिबल होगा, इसका रूल हम पढ़ा रहे हैं तुमको। ठीक है, तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। मतलब क्या हुआ, एक नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, दोनों नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी जाके वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 6 को तुम लिख सकते हो 2 × 3, मतलब कोई भी एक नंबर अगर उसको 6 से डिविजिबल होना है तो उसको 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तुम्हें दो ठो चेक करना होगा, पहले चेक करना होगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है क्या नहीं है, उसके बाद तुम्हें चेक करना होगा वो नंबर 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है। अगर दोनों नंबर से डिविजिबल हो गया तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा, किसी एक से अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो चलो एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे देखो 676, या फिर इसको तुम ऐसे मान लो, मान लो हम इसको ले लिए 696। ठीक है, मान लो इसको ले लिए हम 696। ठीक है, तो ये चेक करो कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 6 से डिविजिबल चेक करने के लिए तुम्हें पहले 2 से डिविजिबल चेक करना पड़ेगा, उसके बाद 3 से डिविजिबल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 का डिविजिबिलिटी रूल था 1 डिजिट को 0 या इवन नंबर होना पड़ेगा। तो इसका 1 डिजिट क्या है, इसका 1 डिजिट तो ये वाला है, तो 6 तो एक इवन नंबर है, 6 अगर इवन नंबर है तो ये नंबर तुम्हारा क्या, 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 डिजिट तो इवन नंबर है, मतलब ये नंबर 6 से 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी हम चेक कर लिए, 2 का डिविजिबिलिटी होता है। ठीक है, अब चेक करेंगे 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हर एक डिजिट को तुम जोड़ोगे, सम निकालोगे, पहले सम निकालो, इसका सम आता है 21। ठीक है, अब 21 ये जो सम है ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है चेक करो। 21 तो 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 3 7 से 21 होता है, तो सम 3 से डिविजिबल है। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या, ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात, तो पहले तुम्हें 2 से चेक करना पड़ेगा, उसके बाद 3 से चेक करना पड़ेगा, दोनों नंबर से अगर डिविजिबल है तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता, मतलब मान लो कि 2 से डिविजिबल हुआ 3 से नहीं हुआ, तब जाके वो तुम्हारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, या फिर 3 से डिविजिबल हुआ 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तब जाके वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, दोनों नंबर से ही डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी जाके वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है, अच्छा
छह का डिविजिबिलिटी समझा दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो डिविजिबिलिटी बाई फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखो कोई भी नंबर को फोर से डिविजिबल होने के लिए ना उसका जो लास्ट दो नंबर है मतलब वंस डिजिट और टेंस डिजिट, वंस डिजिट और टेंस डिजिट, ये वंस डिजिट और टेंस डिजिट को तुम्हारा चार से डिविजिबल होना पड़ेगा तभी जाके वो नंबर फोर से डिविजिबल होगा। मतलब हम क्या बोले, नंबर का जो वंस डिजिट है और टेंस डिजिट है इसको फोर से डिविजिबल होना पड़ेगा, डिविजिबल बाय फोर। मतलब एक नंबर का जो वंस डिजिट है और टेंस डिजिट है उसको फोर से डिविजिबल होना पड़ेगा तब जाके वो नंबर फोर से डिविजिबल होगा। एग्जांपल से समझाते हैं, देखो मान लो हम एक नंबर लिए 672, एक नंबर लिए ठीक है, तो हम बोल रहे कि ये नंबर फोर से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तुम्हें चेक करना क्या है, इस नंबर का वंस डिजिट और टेंस डिजिट फोर से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो इसका वंस डिजिट कौन सा है, दो है, टेंस डिजिट कौन सा है, सेवन है, और हंड्रेड डिजिट कौन सा है, सिक्स है। तो हम क्या बोले, तुम चेक करोगे इस नंबर का वंस डिजिट और टेंस डिजिट फोर से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो। मान लो यहाँ पे हम एक दे दिए, दो दे दिए, तीन दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, वंस टेंस हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंड हो जाएगा, उसके बाद टेन थाउजेंड हो जाएगा, उसके बाद क्या लैक आ जाएगा, उसके बाद करोड़, जो भी है वो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है सिर्फ वंस डिजिट और टेंस डिजिट को। ठीक है, हम देखेंगे वंस डिजिट और टेंस डिजिट फोर से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो नंबर तुम्हारा फोर से डिविजिबल होगा, अगर वंस डिजिट टेंस डिजिट फोर से डिविजिबल नहीं होता है तो नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे ये जो वंस डिजिट टेंस डिजिट है मतलब क्या 72 है, ये 72 तुम्हारा फोर से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो इसको चेक करने के लिए तुम्हें 72 को अलग से फोर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो, फोर वन सर फोर, थ्री टू उतर गया यहाँ पे, फोर एट सर 32, देखो तुम्हारा रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो मतलब क्या, ये फोर से डिविजिबल होता है, मतलब 72 फोर से डिविजिबल है, 72 फोर से डिविजिबल है मतलब क्या, वंस डिजिट टेंस डिजिट फोर से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर फोर से डिविजिबल होगा। समझ में आया बात, तुम सिर्फ देखोगे वंस डिजिट टेंस डिजिट फोर से डिविजिबल है कि नहीं है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है सिर्फ वंस डिजिट और टेंस डिजिट को। इसको हम राफ में करके देखेंगे, फोर से डिवाइड करके देखेंगे कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हुआ तो नंबर फोर से डिविजिबल है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, चलो तो हम पढ़ लिया दो का डिविजिबिलिटी रूल, पढ़ लिए थ्री का, पढ़ लिए छः का, पढ़ लिए फोर का भी पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखो डिविजिबिलिटी बाई एट, देखो ये जो डिविजिबिलिटी बाई एट है ना, ये हम जो डिविजिबिलिटी बाई सिक्स पढ़ा है ना उसका सिमिलर है। हम थोड़ा देर पहले पढ़ा है ना डिविजिबिलिटी बाई सिक्स कैसे होता है, डिविजिबिलिटी बाई सिक्स को देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले दो से चेक करना होता है, उस पर थ्री से चेक करना होता है, अगर दोनों नंबर से डिविजिबल है तो छः से डिविजिबल होगा। तो ये एट का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये लगभग छः का जैसा है। देखो तुम एट को कैसे लिख सकते हो, टू इंटू फोर ऐसे लिख सकते हो, मतलब क्या, एक नंबर को 8 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 से भी डिविजिबल होना होगा, 4 से भी डिविजिबल होना होगा। समझ में आया बात, तब जाके वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई भी एक नंबर तुमको देगा, तुम पहले चेक करोगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर हुआ उसके बाद 4 से चेक करोगे वो है कि नहीं है, अगर दोनों से हुआ तभी जाके वो 8 से डिविजिबल होगा। समझ में आया, चलो एग्जांपल लेते हैं। देखो हम एग्जांपल लिए, मान लो 512, ये वाला एग्जांपल लिया, हम तुमको पूछे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तुम क्या चेक करोगे, पहले दो से चेक करोगे, उसके बाद चार से चेक करोगे। ठीक है, तो दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, पहले दो से चेक करते हैं। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, दो का डिविजिबिलिटी रूल था जो वंस वाला डिजिट है ना उसको इवन नंबर होना पड़ेगा या तो जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो वंस वाला डिजिट तो देखो दो है, मतलब दो तो एक इवन नंबर है, मतलब वंस वाला डिजिट तुम्हारा इवन नंबर है, मतलब ये क्या, दो से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे ये फोर से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो फोर से डिविजिबल होने के लिए मुझे देखना क्या होगा, इसका वंस डिजिट और टेंस डिजिट को देखना होगा। इसका वंस डिजिट टेंस डिजिट अगर फोर से डिविजिबल है तो ये नंबर फोर से डिविजिबल होगा। तो वंस डिजिट टेंस डिजिट कौन सा है, 12। ठीक है, तो 12 फोर से तो डिविजिबल होता है, 4 3 12, मतलब वंस डिजिट टेंस डिजिट तुम्हारा फोर से डिविजिबल होगा, मतलब ये नंबर फोर से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया, तो ये नंबर क्या, देखो दो से भी डिविजिबल होता है, फोर से भी डिविजिबल होता है, मतलब क्या, एट से डिविजिबल होगा। समझ में आया, अगर दो से डिविजिबल होता फोर से नहीं होता, या तो फोर से डिविजिबल होता दो से नहीं होता, तब जाके हम नहीं बोल पाते कि वो एट से डिविजिबल होगा। एट से डिविजिबल होने के लिए दोनों नंबर से ही डिविजिबल होना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, डिविजिबिलिटी बाई नाइन, देखो डिविजिबिलिटी बाई नाइन लगभग डिविजिबिलिटी बाई थ्री जैसा है।
मतलब डिविजिबिलिटी बाई थ्री का रूल क्या था, पहले डिजिट्स को जोड़ना होता है, उसके बाद सम को देखना होता है वो थ्री से डिविजिबल है कि नहीं है। तो नाइन का डिविजिबिलिटी भी सेम है, थोड़ा अलग है। नाइन का डिविजिबिलिटी तुम क्या करोगे, इसको भी पहले सम ऑफ द डिजिट निकालोगे, ठीक है, और सम ऑफ द डिजिट्स को डिविजिबल होना पड़ेगा नाइन से, डिविजिबल बाई नाइन। मतलब ये जो तुम नाइन का डिविजिबिलिटी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है उसको डिजिट को पहले तुम्हें सम निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि सम नाइन से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर सम नाइन से डिविजिबल है तो नंबर नाइन से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 729, ठीक है, हम पूछे ये 729 नाइन से डिविजिबल है कि नहीं है। तुम क्या करोगे, पहले इसको जोड़ोगे, डिजिट्स को जोड़ोगे, तो देखो डिजिट को जोड़ो, सम कितना आएगा, 18 आएगा। अब ये जो सम है, ये सम को तुम्हें देखना पड़ेगा ये सम 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर तुम्हारा 9 से डिविजिबल होगा, अगर सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम सभी को पता है कि 18 9 से डिविजिबल होता है, 9 2 18 होता है, मतलब ये 18 जो सम ये 9 से डिविजिबल है, मतलब 729 नंबर तुम्हारा 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये लगभग डिविजिबल बाई 3 जैसा है रूल, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 10 कैसे समझोगे कि नंबर एक 10 से डिविजिबल होगा। देखो ये बहुत इजी है, 10 से डिविजिबल होने के लिए ना कोई भी नंबर का जो वंस वाला डिजिट है उसको जीरो होना होगा, कोई भी नंबर उसका वंस डिजिट को जीरो होना होगा। अगर वंस डिजिट जीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या है, जो वंस डिजिट है इसको जीरो होना पड़ेगा, अगर वंस डिजिट जीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर तुम ले लो, मान लो जैसे कि हम बोल दिए 120, या फिर धरो बोल दिए 200, या फिर धरो बोल दिए 30690, कोई भी नंबर तुम ले लो, लेकिन जो वंस वाला डिजिट है ना, ये देखो हर एक में जीरो है। अगर वंस वाला डिजिट जीरो है तो तुम्हें बाकी डिजिट क्या है वो देखने का जरूरत भी नहीं है, तुम देखोगे सिर्फ वंस डिजिट जीरो है कि नहीं है। अगर वंस डिजिट जीरो है तो वो नंबर एकदम 10 से डिवाइड होगा ही होगा, डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला, लास्ट रूल, डिविजिबिलिटी बाई 11। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये ठीक से देखना, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 11, एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा कैसे पता चलेगा कि कोई एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखो 11 को डिविजिबल होने के लिए ना जो नंबर तुम्हें देगा उसको पहले तुम्हें ऑड इवन पेयर में बांटना पड़ेगा, ठीक से सुनो। एक नंबर को 11 से डिविजिबल है या नहीं है वो देखने के लिए जो नंबर है ना उसको तुम्हें पहले ऑड इवन पेयर में बांटना पड़ेगा, मतलब ऑड इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से तुमको क्लियर करते हैं, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि देखो हम बोल दिए, एक नंबर दे दिए 61809, हम पूछे कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, इस नंबर को ऑड इवन पेयर में बांटना। कैसे बांटोगे, हमेशा स्टार्ट करना राइट साइड से, हमेशा स्टार्ट करना राइट साइड से, ठीक है। और पहला जो तुम नंबर लिए हो ना उसको पहले ऑड बिठाओगे, हमेशा याद रखना, ये ठीक से सुनना, ठीक है। तुम करो क्या, पहले इस नंबर को ऑड इवन पेयर में बांटोगे, कैसे बांटोगे, हमेशा अपना दाएं तरफ से स्टार्ट करना, राइट साइड से स्टार्ट करना, और पहला क्या बिठाओगे, पहला तुम ऑड बिठाओगे, हमेशा इवन नहीं बिठाना है, पहले मुझे ऑड बिठाना है, चाहे ये नंबर ऑड हो, चाहे ये नंबर जो है ये ऑड है या नहीं है, मुझे ये नंबर देखने का जरूरत नहीं है कि ये नंबर ऑड है कि इवन है, दो से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, अगर दो से डिविजिबल है तो इवन है, दो से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है, ये सब देखने का जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, सिर्फ राइट साइड से स्टार्ट करोगे और पहला क्या बिठाओगे, ऑड बिठाओगे, ठीक है, और ऑल्टरनेट होगा, पहले ऑड उसके बाद इवन, पहले ऑड उसके बाद इवन, ऐसे करके चलेगा। तो पहले ऑड उसके बाद इवन होगा, उसके बाद फिर ऑड, उसके बाद फिर इवन होगा, उसके बाद फिर ऑड, ठीक है। कौन सा इवेन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, दो से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो से डिविजिबल होगा तो इवेन, दो से डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड, ये सब यहाँ पे काम नहीं होगा, ये सब थ्योरी यहाँ पे अप्लाई मत किया करो, ठीक है, वो अलग है। हम सिर्फ क्या बोले, तुम राइट साइड से स्टार्ट करोगे और ऑड इवेन ऐसे करके चलेगा, जिसमें पहला तुम जो पुट करोगे वो ऑड होगा, इवेन नहीं होगा, और उसके बाद ऑल्टरनेट वे चलेगा। समझ में आ रहा बात? अब तुम्हें ये पहला काम हो गया, अब दूसरा काम क्या है, ऑड वाला डिजिट को तुम ऐड करो और इवन वाला डिजिट को ऐड करो। तो ऑड वाला डिजिट क्या क्या है, देखो ऑड 9 है, ठीक है, तो 9 लिखे, और ऑड कहाँ पे है 8 है तो 8 लिखे, और ऑड कहाँ पे है 6 है तो 6 लिखे। ये ऑड प्लेसेस का सम है, ठीक है, किसका सम है,
ऑड प्लेसेस का सम है, जोड़ो इसको, कितना है 23 हो गया। अब इवन प्लेसेस का जोड़ो, इवन कहाँ कहाँ पे, देखो इवन देखो यहाँ पे 0 है तो 0 लिखे, इवन कहाँ पे है और यहाँ पे 8 है, 8 लिखे तो 0 और 8 है, और 0 और 0 और 1 है, इवन 1 है, देखो यहाँ पे इवन है ये 0 और इवन यहाँ पे है यहाँ पे 1, तो 0 प्लस 1 मतलब 1। मतलब हम क्या किए, पहले ऑड इवन पेयर में बांट दिए, उसके बाद ऑड को ऐड किए और इवन डिजिट्स को ऐड किए, ठीक है। अब देखो इस ऑड इवन जो तुम ऑड, ये वाला ऑड है, ये वाला इवन है, ठीक है, ऑड माइनस इवन करोगे, क्या करोगे, ऑड माइनस इवन मतलब क्या, 23 माइनस 1 ऑड माइनस इवन करेंगे हम, ठीक है, या फिर इवन माइनस ऑड करेंगे, जो भी बड़ा होगा यहाँ पे, तुम ऑड माइनस इवन भी कर सकते हो, इवन माइनस ऑड भी कर सकते हो, जो बड़ा होगा उससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑड इवन का तुम माइनस किए ना, ये वाला जो आया ऑड इवन माइनस करके ये जो रिजल्ट आया, इसको या तो 11 होना पड़ेगा, ठीक है, या तो 0 होना पड़ेगा, या तो कोई भी एक ऐसा नंबर होना पड़ेगा जिससे 11 डिविजिबल होता है, कोई भी एक नंबर होना पड़ेगा जो 11 से डिविजिबल होगा, नंबर डिविजिबल बाई 11, ठीक से सुनो, ये जो ऑड माइनस इवन किए जो आएगा इस नंबर को, या तो 11 होना पड़ेगा, या तो 0 होना पड़ेगा, ठीक है, या तो कोई भी एक नंबर होना पड़ेगा जिस नंबर को तुम 11 से डिवाइड कर सकते हो, अगर हुआ तो ये नंबर तुम्हारा 11 से डिवाइड होगा। समझ में आया बात, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक तरीके से समझना, अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके पहले स्टार्टिंग से सुनना, ठीक है। हम क्या बोले, तुम्हारा पहला काम होगा ऑड इवन पेयर में इसको नंबर को बांटना, तुम राइट साइड से स्टार्ट करोगे और पहला ऑड लोगे, चाहे वो नंबर ऑड है या नहीं है वो तुम्हें देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम पहला जो लोगे वो ऑड ही लोगे हमेशा, उसके बाद ऑल्टरनेट करके ऑड इवन ऐसे करके चलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है उसको जोड़ना, इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उसको जोड़ना, ठीक है। उसके बाद काम क्या है, ऑड से इवन माइनस करना, या तो इवन से ऑड भी माइनस कर सकते हो, जो बड़ा होगा उससे हम अगला वाला माइनस करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा ऑड बड़ा है इससे ऑड से माइनस किए हम, ठीक है। अब ये जो माइनस करके जो तुम्हें मिला ये वाला, या तो 11 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो ऐसा कोई एक नंबर आएगा जिससे तुम 11 को तुम डिवाइड कर सकते हो, मतलब या तो ये वाला तुम्हारा 0 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो ऐसा एक नंबर आएगा जिसको तुम 11 से डिवाइड कर सकते हो, अगर आया तीनों में से कोई भी एक तो जाके ये नंबर तुम्हारा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारा 22 आया है ना, तो 22 11 से डिविजिबल होता है, 11 टू से 22 होता है, मतलब ये वाला नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, मतलब मेरा ये वाला कंडीशन मैच हो गया, ठीक है, इसलिए ये वाला नंबर 11 से डिवाइड होगा, कोई भी कंडीशन मैच होना है, ठीक है। जैसे कि हम तुमको और एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, तब जाके तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगा। देखो मान लो हमने एक नंबर लिए 1331, तो पहला काम क्या है, ऑड इवन में इसको बांटना, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और ऑड से शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो ऑड से शुरुआत किए, ऑड इवन। दूसरा काम क्या है, ऑड प्लेसेस को जोड़ना, इवन प्लेसेस को जोड़ना, तो ऑड में देखो क्या क्या है, 1 और 3 है, तो ऑड में है तुम्हारा क्या, 1 प्लस 3 4 हो गया, इवन में भी देखो तुम्हारा 3 और 1 है, इवन में भी तो 3 और 1 है, इसको भी जोड़ो, ये भी 4 है, तो देखो अब ऑड माइनस इवन करेंगे, मतलब क्या है 4 माइनस 4, इसका क्या है 0 आ गया। अब देखो ये जो रिजल्ट है, हम क्या बोले, देखो या तो 11 आना पड़ेगा इसको, या तो 0 आना पड़ेगा, या तो एक ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल है, तो देखो ये तो 0 है, मतलब ये वाला कंडीशन मेरा मैच हो गया, मतलब क्या ये कंडीशन मैच हो गया, मतलब ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया बात, तो ये है डिविजिबिलिटी वाला रूल, हर एक डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है, सिर्फ 11 को छोड़ के 11 वाला जो डिविजिबिलिटी है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और प्रैक्टिस करना, वीडियो को लगातार देखना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करो, फिर से रिवाइंड करके देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग एकदम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 3.3। देखो पहला सवाल क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, पहला सवाल छोटा एक्सरसाइज है, ज़्यादा सम नहीं है, ठीक है। अच्छा तो देखो पहला सवाल करने से पहले हम दो चीज़ और एक बार बता देते हैं कि दो चीज़ हम थ्योरी में पढ़ना भूल गए, तो हम देखो डिविजिबिलिटी तो अभी रूल बताया ना तुमको, ठीक है, तो और एक तो डिविजिबिलिटी बताना भूल गए तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा लिख लो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, डिविजिबिलिटी बाय 5,
ये हम बताना भूल गए थे, तो ये भी बता देते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ फाइव, मतलब एक नंबर फाइव से डिविजिबल होगा कैसे समझोगे। तो फाइव से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर है ना उसका जो वंस डिजिट है उसको या तो जीरो होना होगा या तो फाइव होना होगा। मतलब नंबर का जो वंस डिजिट है इसको जीरो होना होगा या तो फाइव होना होगा, दोनों में से एक, तब जाके वो नंबर फाइव से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि मान रहे हम नंबर बोल दिए जैसे 200, ठीक है, देखो इसका वंस डिजिट जीरो है। उसके बाद मान लो 505, इसका भी वंस डिजिट देखो फाइव है। उसके बाद मान लो 305, इसका वंस डिजिट फाइव है। उसके बाद मान लो 4050, इसका देखो वंस डिजिट जीरो है। तो ये सब तुम्हारा फाइव से डिविजिबल होगा क्योंकि हर एक में या तो वंस डिजिट जीरो है या तो फाइव है। समझ में आया बात? अच्छा, और एक बार और एक चीज़ बता देते हैं, डिविजिबिलिटी बाई एट। देखो डिविजिबिलिटी बाई एट तो हम थोड़ा देर पहले पढ़ा है ना, हम क्या बोले थे डिविजिबिलिटी बाई एट में, कि एक नंबर अगर एट से अगर डिविजिबल होना है तो उसको दो से भी डिविजिबल होना होता है, चार से भी डिविजिबल होना होता है, तब जाके वो नंबर एट से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये देखो ये हर एक केस में ट्रू नहीं होता है, ये होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि एक नंबर को एट से डिविजिबल होने के लिए उसको दो से भी होना होगा, चार से भी डिविजिबल होना होगा। लेकिन कुछ कुछ नंबर है जिसमें कि ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ नंबर है जिसमें कि ये वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, तो उन केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो नंबर है ना उसका तुम लास्ट तीन ठो डिजिट देखोगे। लास्ट तीन ठो डिजिट मतलब क्या, वंस टेंस और हंड्रेड वाला, मतलब ये वंस टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, ये तीनों डिजिट अगर एट से डिविजिबल होता है, एट से डिविजिबल होता है, तब जाके वो नंबर एट से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो हम तुमको एक नंबर दिए, सपोज मान लो 572, ये दे दिए मान लो। ठीक है, तो इसका देखो ये वन से, ये टेन से, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है। ठीक है, तो इसका वन हम क्या बोले, वंस टेंस और हंड्रेड, तो वंस टेंस और हंड्रेड मतलब ये तीनों है, 572 है। ठीक है, तो ये तीनों नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तब जाके ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट तीन ठो नंबर तुमको देखना है, वंस टेंस और हंड्रेड। तो देखो ये वंस टेंस और हंड्रेड क्या होता है, 572 हो रहा है, तो ये 572 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना है। तो उसको देखने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, 572 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, चेक करना होगा कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो है तो डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। तो चेक करो, 8 7 56। ठीक है, 1 2 8 1 8, देखो रिमाइंडर 4 आ गया, मतलब क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया मेरा, तो रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब क्या, ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, लास्ट तीन तो डिजिट को 8 से डिविजिबल होना है। अच्छा, अब अगर हम मान लो ये 1572 ना लेके हम 1512 लेंगे तो क्या होगा, तो इसका वंस टेंस हंड्रेड डिजिट क्या है, 512 है, तो इसको 512 को डिवाइड करो, देखो होता है कि नहीं होता है, चेक करो, लास्ट तीन डिजिट को चेक करना होता है। ठीक है, अच्छा 8 5 40 8 6 48। ठीक है, 3 2 8 4 32, देखो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या ये 5128 से डिविजिबल हो गया, मतलब क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल अब होगा, 1512 8 से डिविजिबल होगा। मतलब करना क्या है, लास्ट तीन डिजिट तुम्हें चेक करना है, ये 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, लास्ट तीन डिजिट मतलब वंस टेंस और हंड्रेड वाला। ठीक है, हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि डिविजिबिलिटी अगर 8 है तो तुम ये वाला रूल अप्लाई करो, ये वाला रूल अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रूल है ना जो हम पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले, ये कभी कभी ट्रू होता है कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला रूल तुम अप्लाई करोगे तो ये हर एक केस में सही तुमको आंसर देगा, मतलब हर एक केस में ट्रू होगा। तो हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि ये वाला लॉजिक अप्लाई मत करो। ठीक है, तुम ये वाला लॉजिक अप्लाई करोगे डिविजिबिलिटी बाई 8 के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो जहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 8 तुम कॉपी किए हो ना, वहाँ पे अगर थोड़ा सा जगह है तो इसको ये इसको लिख लो। ठीक हो, इसको लिख लो, अगर जगह नहीं है तो कहीं भी स्टार मार्क करके दूसरा कहीं भी ये वाला लिख लो। ठीक है, समझ में आया? और डिविजिबिलिटी बाई 5 जो पढ़ाए थे वो भी लिख लेना, क्योंकि वो छूट गया था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो तो ये छूट गया था, ये हम तुमको बता दिए। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है तुम्हें दिया क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11। अच्छा, एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स दिया हुआ है, तुम्हें डिविजिबिलिटी चेक करना है कि कौन कौन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो यस लिखो, डिविजिबल नहीं है तो नो लिखो। ठीक है, तो तुम करोगे क्या, कॉपी में अच्छी तरीके से ये जो चार्ट है इसको रूलर लेके पेंसिल लेके अच्छी तरीके से बनाओगे इसको, उसके बाद करना। हम तुमको दो नंबर दिखा दे रहे,
एग्जाम्पल, मतलब दो नंबर हम तुमको करके दिखा दे रहे कि कैसे चेक करना है, बाकी तुम होमवर्क करोगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दो नंबर समझ लो तो बाकी इजीली हो जाएगा। देखो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर, ठीक है, उसके बाद डिविजिबल बाई, ठीक है, देखो क्या है, दो है पहले, उसके बाद तीन है, उसके बाद चार है, उसके बाद पाँच है, उसके बाद छः है, उसके बाद आठ है, उसके बाद नौ है, उसके बाद दस है, उसके बाद ग्यारह है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको ठीक से खींच लेते हैं, लाइंस को, ठीक है। अच्छा मान लो हम तुमको दिखाएंगे 128 ये वाला दिखाए, ठीक है, और एक तो दिखाएंगे मान लो 1586 ये वाला दिखाएंगे, ठीक है। तुम दो नंबर समझ लो कैसे करेंगे हम, उसके बाद बाकी खुद ही कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं दिखाए क्योंकि और दिखाने जाएंगे तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा बहुत, और भी आगे बहुत सम है, ठीक है। तो एक जैसा सम है हर एक नंबर में, तुम दो समझ लो तो बाकी कर पाओगे, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी बाई टू, देखो डिविजिबिलिटी बाई टू का रूल क्या था, जो लास्ट नंबर था मतलब जो वंस डिजिट था उसको या तो जीरो होना था या तो इवन नंबर होना था, तब जाके वो दो से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखो ये इवन नंबर है, एट इवन नंबर है, क्योंकि एट तो दो से डिविजिबल होता है, मतलब एट इवन नंबर है, मतलब ये नंबर क्या दो से डिविजिबल होगा, तुम ये लिखोगे। जो वंस डिजिट है इसको या तो जीरो होना था या तो इसको इवन नंबर होना था, तो ये तो इवन नंबर है, एट तो इवन नंबर है, मतलब क्या एट दो से डिविजिबल होता है इसलिए एट इवन नंबर है, मतलब ये टोटल नंबर तुम्हारा क्या दो से डिविजिबल होगा। उसके बाद तीन का डिविजिबिलिटी, देखो तीन का डिविजिबिलिटी क्या होता है, हमें करना क्या पड़ता है, पहले जितना भी जो भी नंबर से उसका डिजिट का सम लेना होता है, तो डिजिट का सम लो कितना होगा, दो एक तीन, तीन और आठ ग्यारह, डिजिट का सम तुम्हारा ग्यारह आ गया। अब ये सम देखो तुम्हारा थ्री से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, ये सम थ्री से डिविजिबल नहीं होता है, थ्री से तो इलेवन डिविजिबल नहीं होगा, मतलब क्या ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा थ्री से, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ तुम रूल को ठीक से याद रखो और इसे यहाँ पर अप्लाई करो। अच्छा फोर का डिविजिबिलिटी क्या था, फोर का डिविजिबिलिटी था तुम्हारा जो लास्ट दो ठो डिजिट, मतलब वंस और टेंस, ये जो लास्ट दो डिजिट है इसको फोर से डिविजिबल होना होगा, तब जाके टोटल नंबर फोर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो लास्ट दो डिजिट तुम्हारा क्या है, वंस और टेंस 28 है, 28 तो फोर से डिविजिबल होता है, 47 से 28, मतलब क्या ये टोटल नंबर तुम्हारा फोर से डिविजिबल होगा, समझ आ रहा है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा फाइव का डिविजिबिलिटी क्या बताया, अभी अभी जो वंस डिजिट है उसको जीरो या तो फाइव होना है, तो देखो यहाँ पे वन डिजिट में जीरो फाइव कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारा क्या यह नंबर फाइव से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद छः का डिविजिबिलिटी, देखो छः का डिविजिबिलिटी क्या बताया था, छः को छः का डिविजिबिलिटी देखने के लिए तुम्हें क्या दो से भी चेक करना होगा, थ्री से भी चेक करना होगा नंबर की डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर दोनों नंबर से डिविजिबल होता है तो छः से डिविजिबल होगा। तो तुम अभी अभी किए देखो, ये नंबर दो से डिविजिबल हुआ था लेकिन थ्री से नहीं हुआ, अभी भी लिखे ना दो से डिविजिबल हुआ इसलिए यस लिखे, थ्री से नहीं हुआ इसलिए नो लिखे, मतलब क्या ये नंबर छः से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि छः से डिविजिबल होने के लिए दो और तीन दोनों से डिविजिबल होना होता है, ये दो से तो डिविजिबल है लेकिन थ्री से नहीं है, मतलब छः से नहीं होगा। अच्छा एट का डिविजिबिलिटी रूल, एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो लास्ट तीन ठो डिजिट था मतलब वंस टेंस और हंड्रेड, ये जो लास्ट तीन ठो डिजिट है इसको तुम्हें एट से डिविजिबल होना है, ठीक है। एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो लास्ट तीन ठो डिजिट है मतलब वंस टेंस और हंड्रेड इसको तुम्हें एट से डिविजिबल होना है, अगर है तो वो नंबर एट से डिविजिबल होगा। तो लास्ट तीन ठो डिजिट क्या है, 128 है, हम देखेंगे रफ में ये एट से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, इसको रफ में देखो, 8 1s are 8, 4 are 8, 8 6s are 48, हाँ मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब मेरा डिविजिबल है, लास्ट तीन ठो डिजिट डिविजिबल है, वंस टेंस हंड्रेड लास्ट तीन ठो डिजिट डिविजिबल है, मतलब ये नंबर एट से डिविजिबल होगा, हम लोग यस कर देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद नाइन से आते हैं, देखो नाइन का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लगभग थ्री जैसा था। नाइन का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, पहले नंबर का जो डिजिट है उसको सम लेना होता है, तो नंबर का डिजिट का सम देखो अभी अभी तुम थोड़ा देर पहले लिखे थे, 2 1s are 3, 3 8s are 11, ये सम 11 है। अब ये सम जो है ये नाइन से डिविजिबल नहीं होता है, सम को नाइन से डिविजिबल होना होता है तब जाके वो डिविजिबल होता है, लेकिन ये जो 11 है ये तो नाइन से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब क्या ये सम भी ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग नो लिख देंगे, समझ में आ रहा है बात। अच्छा उसके बाद टेन का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो वंस डिजिट है उसको जीरो होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वंस डिजिट तुम्हारा जीरो नहीं है, मतलब क्या ये टेन से भी डिविजिबल नहीं होगा, समझ में आ रहा है बात।
अच्छा जो वंस डिजिट है उसको जीरो होना होता है टेन से डिविजिबल होने के लिए, तो यहाँ पे तो वंस डिजिट जीरो नहीं है तो टेन से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 11 से डिविजिबिलिटी रूल, देखो 11 का डिविजिबल रूल करना क्या था, देखो हम पहले नंबर लिखते हैं यहाँ पे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए तुम्हें नंबर को पहले ऑड इवन पेयर में बांटना होता है, ठीक है। और राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑड लेके, तो ऑड लेके स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑल्टरनेट जाएंगे, ऑड इवन ऑड ऐसे बताए थे, अब ऑड वाले को जोड़ेंगे और इवन वाले को जोड़ेंगे। तो ऑड वाला क्या है, 8 और 1 मतलब 9 हो गया जोड़ने से, और इवन में सिर्फ एक ही है मतलब क्या, एक ही नंबर है, दो है, ठीक है। अब ऑड से इवन को माइनस करेंगे, माइनस किए देखो 7 आ गया। अब ये जो माइनस किए ना, इसको क्या आना होगा, इसको या तो 0 आना था, या तो 11 आना था, या तो कोई एक ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक। तो देखो तीनों में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये फिर 7 है, ना तो ये 0 है, ना तो ये 11 है, ना तो एक ऐसा नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल होता है। ये 7 तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है बात। तो कोई भी कंडीशन मेरा मैच नहीं हुआ, मतलब क्या, ये 120 11 से डिविजिबल नहीं होगा, हम लोग नो लिख देंगे। तो इस तरीके से तुम्हें करना होगा, रफ में देखना होगा चेक करके, उसके बाद यस नो करके बिठाना है। हम और एक तो दिखा दे रहे तुमको, 1586, देखो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो वन डिजिट तुम्हारा क्या इवन नंबर है, 6 तो इवन नंबर है, मतलब क्या 2 से डिविजिबल होगा। तुम्हें सिर्फ वन डिजिट को देखना है, ये वन डिजिट 0 है या इवन नंबर है, अगर दोनों में से कोई भी एक हो गया 0 या तो इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये 1586 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 तुम्हारा वन डिजिट है और इवन नंबर है। अच्छा 3 का डिविजिबल रूल क्या था, डिजिट को सम करना होता है, तो देखो सम करेंगे तो क्या आएगा, 156 6 8 आर 14 14 6 आर 20, सम तुम्हारा 20 आ गया। अब 20 तो 3 से नहीं होगा ना, 3 से डिविजिबल नहीं होता है 20, मतलब क्या ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, नो लिख देंगे। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल था लास्ट दो डिजिट जो है, मतलब जो वन डिजिट और टेंथ डिजिट है, लास्ट दो डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना है, अगर हो जाएगा तो नंबर हो जाएगा डिविजिबल। तो लास्ट दो डिजिट मतलब वन और टेंस डिजिट, तुम देखो यहाँ पे तो वन और टेंस 86 होता है, तो देखो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 2s are 8 4 1s are 4, देखो रिमाइंडर 2 है, मतलब क्या डिविजिबल नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 आता तो डिविजिबल होता, मतलब क्या लास्ट दो डिजिट डिविजिबल नहीं है 4 से, मतलब नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, नो लिख देंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद 5 से डिविजिबिलिटी, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो लास्ट डिजिट है वंस डिजिट जो है, इसको 0 या तो 5 होना था, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, मतलब क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना होता है, 3 से भी डिविजिबल होना होता है। तो देखो यह नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, मतलब क्या 6 से नहीं होगा डिविजिबल। उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट तीन ठो डिजिट मतलब 1s, 10s और 100, ये तीन ठो डिजिट तुम्हें 8 से डिविजिबल होना है, अगर हो गया तो नंबर 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट तीन ठो डिजिट मतलब 586, देखो ये 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 8 6s are 48 8 7s are 56, ठीक है, ये 2 रिमाइंडर है 6, 8 3s are 24, मतलब रिमाइंडर 2 है, देखो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, मतलब क्या 586 जो लास्ट तीन डिजिट है वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब क्या नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, हम यहाँ पे नो लिख देंगे, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो नंबर है उसका डिजिट को सम लेना है, तो उसका डिजिट का सम करोगे तो क्या आएगा, 1 5 6 6 8 14 14 6 20, सम 20 आ गया। अब ये सम तो 9 से डिविजिबल नहीं होता है ना, सम अगर 9 से डिविजिबल होता तो नंबर डिविजिबल होता, तो सम तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 20 तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, मतलब नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, नो लिख देंगे, ठीक है। अच्छा 10 का डिविजिबिलिटी देखो, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल जो लास्ट डिजिट है ना, मतलब जो वंस डिजिट है उसको 0 होना होता है, तब जाके वो 10 से डिविजिबल होता है, लेकिन ये नंबर में वन डिजिट तो 0 नहीं है, मतलब क्या है 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। आते हैं 11 में, 11 से होता है कि नहीं होता है, तो 11 का डिविजिबल रूल क्या था, 11 का डिविजिबल रूल था तुम्हें पहले इस नंबर को ऑड इवन पेयर में बांटना होता है, और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और पहला जो लेंगे वो ऑड लेंगे हमेशा। तो देखो ऑड लिए, उसके बाद ऑल्टरनेट चलेगा, ऑड इवन ऐसे चलेगा। अब ऑड वाले को जोड़ो, ऑड वाले का जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 और 6 मतलब जोड़ोगे तो 11 आएगा। इवन वाले का जोड़ो, इवन वाला 8 और 1 जोड़ोगे तो क्या 9 आएगा, ठीक है। अब दोनों को माइनस करो, माइनस करके क्या मिला, 2 मिला। अब ये माइनस करके जो तुम्हें मिला, इसको या तो 0 होना है, या तो 11 होना है, या तो ऐसा नंबर तुम्हें मिलेगा जो कि 11 से डिविजिबल होता है, तीनों में से कोई भी एक, जो कि इसमें नहीं है, देखो ये 0 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, और ये 11 से डिविजिबल भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब क्या
तुम्हारा ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ये भी तुम नो लिख दोगे। मतलब मुझे मिला क्या, ये नंबर सिर्फ दो से डिविजिबल है। देखो दो में सिर्फ यस लिखे, बाकी हर एक में देखो नो 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 दिया हुआ है, सिर्फ दो से डिविजिबल हुआ 1586, बाकी हर एक में तुम्हारा क्या है, नो है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया है। ठीक है, बाकी तुम खुद कर पाओगे, बाकी जितना भी नंबर से तुम खुद कर पाओगे, जितना नंबर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो देख के डरने का नहीं है। ठीक है, जैसे हम तुमको समझाएं, पहले रूल को ठीक से समझोगे थ्योरी में जो पढ़ाए थे, ठीक है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। रूल को अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो ईजिली कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर दो में आते हैं। देखो दो नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है, दो नंबर वाला क्वेश्चन दिया है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट करके तुम्हें देखना होगा कि कौन सा नंबर 2, 4 से और 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या है, वो जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना, वही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, हम तुमको तीन ठो एग्जाम्पल करके दिखा दे, तीन ठो करके दिखा दे, कोई भी तीन। मान लो पहला वाला कराएं, ठीक है, उसके बाद मान लो हम कराएंगे आई वाला, आई का नंबर है तुम्हारा, आई नहीं एफ वाला कराते हैं, एफ वाला है तुम्हारा 14560। ठीक है, ये एफ वाला है। अब उसके बाद कराएंगे मान लो जे वाला 2150। ठीक है, हम तीन तो समझा दे रहे, बाकी तुम खुद कर पाओगे। ठीक है, देखो तो पहला ये कराते हैं, देखो तो ये मुझे देखना है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है और 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना है। तो पहले देखते हैं, देखो ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल होना है तो लास्ट दो ठो डिजिट 4 से डिविजिबल होना है। ठीक है, मतलब ये तो रूल है ना, डिविजिबिलिटी बाई 4 का रूल क्या था, 1s डिजिट और 10s डिजिट, लास्ट दो डिजिट को 4 से डिविजिबल होना होता है। अगर हो गया तो नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 1s डिजिट और 10s डिजिट मतलब क्या, लास्ट दो डिजिट 72 है। तो इसको तुम रफ में देखोगे, चेक करके रफ में देखोगे। ठीक है, ये रफ पोर्शन है, देखोगे कि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम देखो ये 4 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया। ठीक है, मतलब 4 से डिविजिबल है, मतलब नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे डिविजिबल बाय 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। यह नंबर डिविजिबल होगा 4 से, क्योंकि इसका लास्ट दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसीलिए। तो रीज़न भी लिख दिए, रीज़न भी लिखना है। तो ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला 8 से चेक करना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो लास्ट तीन ठो डिजिट है, मतलब 1s, 10s, 100, जो लास्ट तीन ठो डिजिट है उसको 8 से डिविजिबल होना है। ठीक है, तो लास्ट तीन ठो डिजिट यहाँ पे क्या है इस नंबर का, 1s, 10s, 100, 572 है, तो इसको तुम्हें 8 से डिविजिबल होना होगा। अगर है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो इसको भी रफ में चेक करके देखो कि 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। 8 7s are 56, 1 2, 8 1s are 8, रिमाइंडर 4, देखो रिमाइंडर 4 आ गया, रिमाइंडर तो 0 नहीं है ना, रिमाइंडर अगर 0 होता तो डिविजिबल होता, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया। मतलब क्या, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, मतलब क्या, ये नंबर तुम्हारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट तीन डिजिट तो हम चेक किए ना अभी, लास्ट तीन डिजिट तुम्हारा क्या 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, यही तो रूल है 8 का डिविजिबिलिटी। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 8 एज इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स, एज इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8। ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट तीन डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए। समझ में आया बात? तो ये भी चेक करो। अब ये इसका बारी है, देखो ये भी पहले 4 से चेक करना है, उसके बाद 8 से चेक करना है। तो 4 का डिविजिबल रूल क्या था, जो लास्ट दो ठो डिजिट है, मतलब जो 1s और 10s है, इसको 4 से डिविजिबल होना है। अगर हो गया तो नंबर डिविजिबल है। तो देखो 60 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 60 4 से डिविजिबल होता है, चेक करो रफ में, चेक करके देखो। 4 1s are 4, 2 0, 4 5s are 20, रिमाइंडर 0, मतलब 4 से डिविजिबल हो रहा है लास्ट दो ठो डिजिट, मतलब क्या, नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ये पूरा चीज़ को यहाँ पे तुम लिख दोगे, इसको ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख दोगे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, हम लिख नहीं रहे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। ठीक है, डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। समझ में आया क्या बोले, डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना इस नंबर, इस क्वेश्चन का, ये 4 का हो गया। ठीक है, हम कॉपी नहीं किए, क्योंकि सेम चीज़ है, इसलिए कॉपी नहीं किए, सेम ही तो लिखना होगा ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद 8 में आते हैं। देखो अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो लास्ट तीन ठो डिजिट है,
मतलब वंस, टेंस और हंड्रेड है, इसको देखना होगा कि एट से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, यही रूल है। तो चेक करो 560 एट से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। 8 7 56, ठीक है, जीरो, ये जीरो है तो 8 0 0, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो मतलब क्या, देखो ये तो डिविजिबल होता है, मतलब क्या, रिमाइंडर तो जीरो है इसलिए लास्ट तीन डिजिट डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात, मतलब ये लास्ट तीन डिजिट डिविजिबल है, मतलब नंबर एट से डिविजिबल है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, इसको कॉपी करोगे, ऐसे लिखोगे डिविजिबल बाई 8 एज इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, इसको यहाँ पे कॉपी कर लोगे, इसको हम थोड़ा चेंज कर दिए, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लोगे डिविजिबल बाई 8 एज इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ये वाला, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो डिविजिबल है 8 से। समझ में आ रहा है बात। अच्छा इसको भी दिखा देते, देखो 2150 पहले चार से चेक करो, तो चार से चेक करने के लिए लास्ट दो टू डिजिट को चेक करना होता है, वन सौ टेंस को, फोर से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो 1 10 50 है लास्ट दो डिजिट, तो चेक करो, देखो 4 1 4 10 4 2 8 2, तो देखो रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब डिविजिबल नहीं है। तो रिमाइंडर 2 आएगा तो मतलब क्या, ये नंबर डिविजिबल नहीं है लास्ट दो डिजिट, मतलब नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे नॉट डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 4, इसको यहाँ पे कॉपी करोगे, इसको यहाँ पे कॉपी करोगे। समझ में आया, ये 4 का डिविजिबिलिटी है, इसको यहाँ पे लिखना होगा तुम्हें नॉट डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 4, तो इसको यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक है। हम एक बार लिखे हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, उसी को हम एडिट करके जैसा जैसा होता है तुमको बोलेंगे, तुम वहाँ पे लिखते लिखते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 4 का डिविजिबिलिटी में, यहाँ पे एरो देके लिखोगे नॉट डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 4, लास्ट दो डिजिट डिविजिबल नहीं है, इसे नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अब 8 से चेक करो, 8 कैसे, 8 से चेक करने के लिए क्या, लास्ट तीन डिजिट को चेक करना है, 1 10 और 100 को, 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, चेक करो। तो 150 लास्ट तीन डिजिट है, 1 10 और 100 चेक करो, 8 1 8 7 0, देखो 8 8 8 64, रिमाइंडर 6 आ गया, मतलब क्या डिविजिबल नहीं है लास्ट तीन डिजिट, मतलब नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे नॉट डिविजिबल बाई 8 एज इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8, ऐसे लिखोगे, इसको यहाँ पे कॉपी करोगे, यहाँ पे 8 की जगह में नॉट डिविजिबल बाई 8 एज इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, यही प्रोसेस है, ठीक है। तो हम तीन ठो तुमको दिखा दिए, ठीक है, तीन ठो सब हम तुमको करा दिए, बाकी उम्मीद करता हूँ कि तुम बाकी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि नियम यही है और कुछ नहीं है, इसी को तुमको करना होता है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यही घुमा फिरा के दिया, आगे जो करेंगे ना अभी, अब तीन नंबर में जो करेंगे, तीन नंबर वाला जो क्वेश्चन, यही दिया हुआ है, इसी तरीके से करना है तुमको, और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ चेक करते जाना है, ठीक है। तो तीन नंबर में देखो क्या है, नंबर थ्री वाला क्वेश्चन क्या है, थ्री वाला क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल होगा, चेक करो। तो वही सेम है, हम तुमको एक करा दे रहे हैं, बाकी तुम खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि इतना कराने जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। हम मान लो जी वाला कराएंगे, जी वाला देखो 1 7 9 0 1 8 4, ठीक है, 1 7 9 0 1 8 4, ठीक है, चेक करो जी का। तो पहले 6 से डिविजिबिलिटी तुम्हें चेक करना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 6 चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, 2 से देखना होता है, उसके बाद 3 से देखना होता है, अगर हो गया तो 6 से डिविजिबल है। तो पहले तुम 2 से चेक करो, अच्छा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो वन डिजिट है उसको या तो 0 होना है या तो इवन नंबर होना है, ठीक है। तो 4 तो इवन नंबर है, मतलब क्या, यह नंबर तुम्हारा 2 से डिविजिबल होगा, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुझे चेक करना है कि वंस वाला डिजिट 0 है या इवन नंबर है, यह तो इवन नंबर है, मतलब नंबर तुम्हारा 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आ, तुम क्या लिखोगे डिविजिबल बाय 2 एज वंस डिजिट इज एन इवन नंबर, एज वंस डिजिट इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं, देखो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, नंबर में जितना भी डिजिट है उसको पहले जोड़ना होता है, उसके बाद देखना है सम जो निकलेगा तुम्हारा वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हराफ में करोगे, नंबर क्या है 1 7 9 0 1 8 4, इसको हराफ में करो,
तो जोड़ो 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, देखो कितना आ रहा है, 1 7 = 8, 8 9 = 17, 17 0 = 17 ही होता है, 17 1 = 18, 18 8 = 26, 26 4 = 30, देखो 30 आ गया आसाम। अब ये 30 है ना, 33 से डिविजिबल होता है, 3 10 = 30 होता है ना, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ नहीं आ रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 3 एज सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, जो सम है डिजिट का, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, जो सम है वो तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, सम 3 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है बात, मतलब क्या ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या 6 से भी डिविजिबल होगा, तो तुम क्या लिखोगे, देयर फोर 1 7 9 0 1 8 4 इज डिविजिबल बाय 6, 6 से होगा, लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा और एक तो दिखा दे रहे, ठीक है, देखो कैसे होगा, सेम चीज़ है, सेम, और कुछ नहीं है, पहले दो से देखो, रूल को ठीक से समझो उसके बाद अप्लाई करो, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मान लो हम डी वाला दिखाएंगे, डी वाला देखो, डी वाला तुम्हारा है 6 1 2 3 3, ये वाला नंबर, तो पहले दो से चेक करो। देखो दो से चेक करने के लिए जो ऑड वंस प्लेस में जो डिजिट है, मतलब जो वंस डिजिट है उसको इवेंट नंबर या तो जीरो होना होता है, ठीक है। अब देखो वंस वाला जो डिजिट है वो जीरो तो नहीं है, 3 है ये वाला, ठीक है, और 3 इवेंट नंबर नहीं है, मतलब क्या जीरो भी नहीं है, इवेंट नंबर भी नहीं है वंस डिजिट में, मतलब क्या ये दो से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट डिविजिबल बाई 2 एज वंस डिजिट इज नॉट एन इवेंट नंबर, नॉट एन इवन नंबर, जो वंस डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए दो से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करो, 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, पहले जोड़ना होता है डिजिट्स को, तो नंबर क्या है 6 1 2 3 3, ये रफ में करोगे, ठीक है, 6 + 1 + 2 + 3 + 3, देखो कितना था, 3 3 = 6, 6 2 = 8, 8 1 = 9, 9 6 = 15, 15 आ गया सम तुम्हारा। अब ये 15 3 से डिविजिबल होता है, 3 5 = 15 होता है, होता है ना, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, मतलब नंबर डिविजिबल होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाई 3 एज सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, सम 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए नंबर भी डिविजिबल है। मतलब देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों नंबर से, 2 और 3 दोनों नंबर से ही डिविजिबल होना होगा, ठीक है, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 2 से तो नहीं हुआ डिविजिबल, मतलब क्या 6 से नहीं होगा, समझ में आ रहा है बात, 3 से डिविजिबल है ये सही है लेकिन 2 से तो नहीं है ना, दोनों नंबर से ही डिविजिबल होना होगा तब जाके 6 से डिविजिबल होता है। तो ये 3 से है लेकिन 2 से नहीं है, ठीक है, मतलब डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, दोनों नंबर से ही डिविजिबल होना होगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 6 1 2 3 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 1 2 3 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है, बाकी कर लोगे, ठीक है, होमवर्क करोगे, करके दिखाओगे मुझे, ठीक है, सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले 2 से चेक करोगे, उसके बाद 3 से चेक करोगे, उसके बाद जैसे जैसे कराए वैसे ऐसे ही करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे, सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, मतलब 11 से डिविजिबल है कि नहीं है चेक करना है, ठीक है। तो चलो हम दो ठो करा देते हैं तुमको, पहले बी वाला कराए, ठीक है, 10824, उसके बाद मान लो लास्ट वाला कराएंगे एफ वाला 901153, ठीक है। अच्छा तो चलो चेक करते हैं, तो पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं, नंबर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 का डिविजिबल रूल क्या था, पहले तुम्हें ऑड इवन पेयर में बांटना है, ठीक है, तो इसको जो बांटोगे ना, इसको इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे देखो 10824, हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और पहला वाला ऑड लेंगे, ठीक है, हमेशा, तो ऑड, उसके बाद ऑल्टरनेट चलेगा, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, समझ में आया। अब ऑड प्लेसेस को जोड़ेंगे और इवन प्लेसेस को जोड़ेंगे, तो तुम क्या लिखोगे, सम ऑफ द डिजिट्स
एट ऑड प्लेसेस। क्या होगा देखो, ऑड प्लेसेस में क्या है, फोर है, एट है और एक है, ठीक है, मतलब फोर प्लस एट प्लस वन सम कितना आएगा, 13, 13। उसके बाद इवन प्लेसेस को जोड़ेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है, ये इवन है, ठीक है, ये ई है, इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेस में देखो क्या है, दो है और जीरो है, सिर्फ दो ठो ही डिजिट है, दो ठो डिजिट है ना, मतलब क्या लिखेंगे, टू प्लस जीरो मतलब क्या, दो हो जाएगा। अब दोनों को डिफरेंस लेंगे, ठीक है, अच्छा क्या लेंगे, देयरफॉर दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस क्या होगा, 13 माइनस 2 मतलब क्या होगा, 11 हो गया। तो देखो ये जो डिफरेंस है ना, इसको डिफरेंस को क्या होना होता है, हम रूल क्या था, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस को क्या होना होता है, या तो डिफरेंस को 0 होना होगा, या तो डिफरेंस को 11 होना होगा, या तो एक ऐसा नंबर होना होगा जो कि 11 से डिविजिबल है, तीनों में से कोई भी एक। तो देखो तुम्हारा डिफरेंस तो 11 आ गया ना, देखो मतलब ये वाला कंडीशन तुम्हारा मैच हो गया, तीन टू कंडीशन था, तो देखो ये वाला कंडीशन मैच हो गया तुम्हारा, 11 है, मतलब क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर 10824 इज डिविजिबल बाय 11, हो गया, ठीक है। अच्छा चलो उसके बाद अगला वाला नंबर में आते, एफ में 901153, ठीक है। तो इसको भी सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे, पहले ऑड इवन लिखेंगे, 901153, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले ऑड लेंगे हमेशा, उसके बाद अल्टरनेट, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसे चलेगा। अब सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस में क्या है, देखो 3 है, 1 है और 0 है, तीन ठो है, तो इसको 3 1 0 लिखेंगे, ऑड प्लेसेस का सम निकालेंगे, कितना आता है, 4 होता है, ठीक है ना, समझ में आएगा। उसी को हम एडिट करके कर रहे हैं, तुम फ्रेश करके नया से करोगे, हमको अगर यहाँ पे करना है तो बार बार लिखना होगा इसको, इसलिए हम इसको इस तरीके से किए, ठीक है। अच्छा उसके बाद इवन प्लेसेस को जोड़ो, इवन प्लेसेस में देखो क्या है, 5 है, अच्छा 1 है और 9 है, ठीक है, तो 5 और 1 और 9, 5 है 1 है और 9 है, 15, ये 15 हो गया, समझ में आ रहा है बात। अच्छा अब दोनों का डिफरेंस लेना होता है, मतलब क्या, 15 माइनस 4 करेंगे, 15 माइनस 4 के तो कितना आ गया, 11 आ गया, समझ में आ रहा है बात, डिफरेंस तो 11 है, तो डिफरेंस को क्या होना होता है, ये डिफरेंस को या तो 0 होगा या तो 11 होगा, ये तो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 11 से डिविजिबल है, तीनों में से एक। तो देखो ये क्या, तुम्हारा सेकंड वाला कंडीशन जो है वो मैच हो गया, मतलब क्या नंबर डिविजिबल होगा, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, 901153 इज डिविजिबल बाई 11, समझ में आया बात। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, बहुत मतलब अच्छा सम है ये सब, ठीक है, बहुत मज़ेदार सम है, करोगे। अच्छा उसके बाद सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम तुमको समझा देते एक ठो। देखो ये ब्लैंक है दिया हुआ, पहला वाला क्वेश्चन 6724, तुम्हें पूछा है कि इस ब्लैंक स्पेस में तुम्हें क्या लिखना होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट भी लिखना होगा, लार्जेस्ट डिजिट भी लिखना होगा, मतलब यहाँ पे एक ठो ही डिजिट होगा, एक बार तुम स्मॉलेस्ट डिजिट बिठाओगे और एक बार लार्जेस्ट डिजिट बिठाओगे, इस तरीके से बिठाओगे ताकि जो नंबर फॉर्मेशन होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, समझ में हम क्या बोले, और एक बार समझा दे रहे, ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, इस ब्लैंक स्पेस में तुम्हारा एक ठो ही डिजिट बैठेगा, एक बार तुम स्मॉलेस्ट बिठाओगे, एक बार लार्जेस्ट बिठाओगे, दो बार बिठाओगे, लेकिन बैठेगा एक ठो ही डिजिट, पहला वाला स्मॉलेस्ट बिठा के देखोगे, उसके बाद लार्जेस्ट बिठा के देखोगे। तो जो भी तुम बिठाओगे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट बिठाओ, लार्जेस्ट बिठाओ, एक नंबर तो फॉर्मेशन होगा ना, तो इस तरीके से तुमको बिठाना है कि जो नंबर फॉर्मेशन है होगा, नया नंबर जो फॉर्मेशन होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा है। तुम स्मॉलेस्ट बिठा के देखते हैं, देखो तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल पहले तुमको चेक करना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी नंबर है उसका डिजिट को पहले जोड़ना है, उसके बाद सम देखना है, जोड़ने के बाद जो सम आएगा तुम्हारा उसको देखना है 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, अगर हो गया तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये तुम कैसे करोगे, इसको थोड़ा रफ में चेक करना होता है, पहले रफ में तुम चेक करोगे 6724, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में हम क्या बिठाएंगे अभी पता नहीं है, ठीक है, तो पहले इसको चेक करना है, इसको जोड़ो नंबर को जोड़ो, क्योंकि 3 से डिविजिबल बोला है ना, तो 3 से डिविजिबल रूल पहले क्या होता है, जोड़ना होता है नंबर डिजिट को। तो जोड़ के क्या मिला तुम्हें, 6 7 13, 13 2 15, 15 4 19, देखो 19 मिला, ठीक है। तो 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है,
तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर बिठाएंगे ताकि जितना भी डिजिट है उसको जोड़ के मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिविजिबल है। और एक बार बताते हैं तुमको, देखो ये नंबर, ये ब्लैंक स्पेस में तुम्हें स्मॉलेस्ट एक नंबर बिठाना है, ठीक है। अब तुमको क्या मिला, ये जितना भी डिजिट है इसको जोड़ के तुम्हें मिला 19, ठीक है। तो ये 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर तुमको बिठाना पड़ेगा, तब जाके अगर तुम नया से और एक बार सम निकाले मतलब डिजिट को जोड़े तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3 का डिविजिबल एक नंबर मिलेगा, तब जाके होगा। देखो अगर यहाँ पे मान लो तुम दो बिठा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या 2 बिट जाएगा, मतलब ये वाला तुम्हारा नया नंबर हो गया। अब क्या अगर डिजिट को जोड़ोगे तो इसके साथ 2 भी जुड़ेगा ना, ठीक है। मतलब क्या इसका तो सम तो 19 था तुम्हारे पास, अभी तुम 2 जोड़ दिए, मतलब ये भी यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा, मतलब क्या होगा 21 होगा। अब देखो 21 तुम्हारा 3 से डिविजिबल होता है, 3 7 से 21, मतलब क्या ये नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा, मतलब क्या स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे तुम्हें क्या होगा 2 होगा। स्मॉलेस्ट पूछा है पहले, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। तो तुम क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट डिजिट 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट अगर 2 है तो तुम यहाँ पे लिखोगे क्या, नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 267 26724, ऐसा हो जाएगा। अब तुम सम क्या होगा, इसको क्या मिलेगा 21 मिला था, 21 तो 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा, ये हो गया स्मॉलेस्ट वाला, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना है 2 होना है, ठीक है, समझ में आ। तो कैसे हम लोग किए, हम लोग पहले देखेंगे इसका सम निकाल के देखेंगे कि सम क्या आता है। मेरा सम 19 मिला, मुझे 19 मिला है, ठीक है। अब 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है ना, तो हम देखेंगे 19 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। ध्यान से सुनना, मुझे ये वाला नंबर जब हम यहाँ पे डिजिट नहीं बिठाए थे, नंबर नहीं बिठाए थे, तब ये क्या था 6724 था। तब जब हम सम निकाले थे तो मुझे मेरे पास कितना आया 19 आया, ठीक है। तो 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है ना, तो हम चेक करेंगे क्या 19 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है। तो 19 के बाद तुम्हारा क्या मिलेगा, 21 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 19 के बाद और बहुत सारा नंबर है, सिर्फ 21 नहीं है, बहुत नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन उनमें से 21 छोटा है सबसे। तुम्हें छोटा निकालने बोला है ना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बोला है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट बिठाना होगा। तो तुमको चेक करना है कि 19 के बाद मेरा स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है। देखो 19 के बाद तो 20 आएगा, 20 तो नहीं होता है। अब तुम 21 जाओगे, हाँ 21 होता है, तो 21 होने के लिए तुम्हें यहाँ पे बिठाना क्या पड़ेगा, 2 बिठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसको जोड़ोगे तो 19 मिला। अब जाके तुम अगर 21 करना चाहते हो तो यहाँ पे तो 2 बिठाना होगा ना, क्योंकि 19 और 21 का डिफरेंस 2 आता है, 19 और 21 का डिफरेंस 2 आता है। मतलब क्या तुम 91 से 2 जोड़ दोगे तब जाके 21 आएगा। तो ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पे डिजिट 2 होगा तब ना जाके यहाँ पे 2 आएगा। समझ में आया बात, मुझे 19 के बाद देखना है स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा 19 वाला केस, ये स्मॉलेस्ट वाला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है लार्जेस्ट पे, लार्जेस्ट कौन सा वाला नंबर होगा। देखो लार्जेस्ट, ठीक है, और एक बार बताते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिया है ना, यहाँ पे एक ठो डिजिट ही होगा, 2 डिजिट नहीं होगा, सिर्फ एक ठो होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सम निकालेंगे, पहला काम है जो डिजिट तुम्हें दिया हुआ है उसको पहले सम निकालेंगे। तो उसको सम निकाल के मुझे मिला क्या था, 19 मिला था, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट वाला रूल क्या था, स्मॉलेस्ट वाले में तुम्हें चेक करना है कि 19 के बाद स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है। तो लार्जेस्ट में चेक करना क्या होगा, आप तो लार्जेस्ट बिठाओगे ना, लार्जेस्ट में क्या चेक करोगे कि 19 के बाद लार्जेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट तो ऐसे बहुत मिलेगा तुमको, कितना तुम ढूंढोगे, लार्जेस्ट मतलब बहुत है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखो 19 के बाद पहला जो नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो तो 21 है, मिल गया। 21 के बाद क्या है, 22 तो नहीं होता है 3 से डिविजिबल, 23 भी नहीं होता है, 24 होता है 3 से डिविजिबल, 24 होता है, मतलब 19 के बाद 24 है, 24 तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात, तो इसको 24 करने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंस क्या है 5 है, मतलब यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा तब जाके 24 होगा। अगर यहाँ पे तुम 5 जोड़ोगे मतलब तुम्हें यहाँ पे 5 बिठाना होगा, तो लार्जेस्ट डिजिट 5 होगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट 5 है कि नहीं है तुम कैसे समझोगे, 5 से भी तो बड़ा हो सकता है ना, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 5 ही लार्जेस्ट है, इससे भी तो बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो चेक करते जाना है तुमको, चेक करना है, ठीक है। अच्छा 24 हो गया, उसके बाद चेक करें 24 के बाद देखो क्या है, 24 के बाद तुम देखोगे 25 नहीं होगा 3 से डिविजिबल, 26 नहीं होगा, 27 होगा, 27 3 से डिविजिबल होगा,
ठीक है। तो 27 लाने के लिए तुम्हें डिफरेंस क्या है, 90 27 में डिफरेंस तुम्हारा 8 है, मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या होगा डिजिट में 8 लेना होगा, तब जाके यहाँ पे तुम्हारा 8 आएगा, मतलब ब्लैंक स्पेस में क्या होगा 8 होगा, समझ में आया बात। अच्छा अब 8 भी लार्जेस्ट है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, इससे भी तो लार्जेस्ट हो सकता है ना, समझ में आया बात। अच्छा तो और एक बार चेक करो 27 के बाद और आगे जाओ देखो। अच्छा 27 के बाद डिविजिबल क्या होता है 3 से, 28 तो नहीं होता है, 29 भी नहीं होता है, 30 उसके बाद 30 होता है, 30 है ठीक है, 30 डिविजिबल होता है 3 से, सम अगर 30 है तो डिविजिबल होगा। तो इसका डिफरेंस क्या है 90 में 30 में, देखो डिफरेंस तुम्हारा क्या है 11 है, ठीक है 11 है। अब 11 देखो दो डिजिट नंबर है, ठीक है मतलब ये तुम्हें 11 कहाँ से मिलेगा, अगर तुम यहाँ पे 11 बिठाओगे तब ना मिलेगा, तब जोड़ोगे तब जाके ये मिलेगा, ऐसे जोड़ोगे तब जाके मिलेगा तुमको, लेकिन 11 तो दो डिजिट नंबर है, मतलब क्या यहाँ पे तुम्हें तब 11 बिठाना पड़ेगा तब जाके आएगा, जोड़ोगे तब जाके सम 30 आएगा, लेकिन दो डिजिट तो तुम बिठा नहीं सकते, सिर्फ सिंगल डिजिट बिठा सकते हो, मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हें कितना मिला था, तुम क्या 27 मिला था ना, 27 तुम्हें मिला था, तो 27 होने के लिए यहाँ पे 8 होना था, ठीक है वही तो लास्ट था ना, उसके बाद तुम 30 में आए, तो 30 में तुम आए तुम देखे मुझे 11 मिल रहा है, 11 तो दो डिजिट हो गया, दो डिजिट तो बिठा नहीं सकते, मतलब क्या 8 ही तुम्हारा लार्जेस्ट हो जाएगा, उससे आगे नहीं होगा, समझ में आ रहा बात। ये तो इस तरीके से चेक करना होता है। तो यहाँ पे तुम 8 बिठाओगे, 8 6 7 2 4 हो जाएगा नंबर, ठीक है अब इसको जोड़ो देखो कितना आता है 8 + 6 + 7 + 2 + 4, ये तो 27 रफ में किए थे तो 27 लिख देंगे, समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से तुम्हें चेक करना है, तो बहुत ही मज़ेदार सम है, ठीक है चेक करना होगा, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से बी वाला कर लोगे, बी वाला करोगे। अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6, सवाल नंबर 6, 6 का भी हम एक तो दिखा दे रहे हैं कैसे करोगे। देखो अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है हम समझा देंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 नंबर का ए वाला क्वेश्चन हम कराते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं 92 उसके बाद स्पेस है 389, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है देखो, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। मतलब क्या यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी है, पहले 3 था अभी 11 है, तो 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, तो पहले देखो हम पहले करेंगे क्या, यहाँ पे भी तुम्हें करना क्या है स्मॉलेस्ट डिजिट बिठाना है एक ठो, और एक ठो लार्जेस्ट डिजिट बिठाना है जैसे पहले किए थे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, देखो नंबर क्या है 92 है, ब्लैंक स्पेस है 389, तो इस ब्लैंक स्पेस में एक ठो नंबर बिठाना होगा तुमको, एक बार स्मॉलेस्ट एक बार लार्जेस्ट, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या है, पहले ऑड प्लेस और इवन प्लेस को जोड़ना होता है, ऑड प्लेस मतलब ऑड इवन पेयर में उसको बांटना होगा, उसके बाद ऑड प्लेसेस को जोड़ना होता है, इवन प्लेसेस को जोड़ना होता है। तो हम जैसे है हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, और ऑड पहले होगा हमेशा, तो ऑड इवन ऑड, उसके बाद यहाँ पे इवन होगा, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, मतलब क्या यहाँ पे जो नंबर तुम लिखोगे वो इसको इवन होना है, अल्टरनेट होगा ना, अल्टरनेट होते चलेगा, पहले ऑड उसके बाद इवन, पहले ऑड उसके बाद इवन, ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस में जो भी नंबर तुम्हारा आएगा, लार्जेस्ट हो कि स्मॉलेस्ट हो जो भी है, वो इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इवन मिला तुमको, समझ में आया बात। अच्छा अभी ऑड प्लेसेस को जोड़ो, तो ऑड प्लेस में देखो क्या है 9 है, 3 है और 2 है ना, ऑड प्लेस में तुम्हारा क्या है 9 है, 3 है और 2 है, तो ऑड प्लेसेस को जोड़ो, तो ऑड प्लेसेस को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखोगे तुम ऑड प्लेसेस, इस तरीके से लिखोगे ऑड प्लेसेस, ठीक है। क्या है ऑड प्लेसेस में 9, 3 और 2, जोड़ो इसको 9, 3 और 2 को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक बार हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑड प्लेसेस में तुम्हारा अगर तुम करोगे, यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है क्या 9, 3 और 2, ठीक है। अच्छा तो जोड़ो 9 + 3 + 2 कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ पे आ गया 14, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ये हो गया। अच्छा इवन प्लेसेस को जोड़ना है, इवन प्लेसेस को भी जोड़ो, इवन प्लेसेस, अच्छा इसको ना राफ में करोगे, ठीक है इस पार्ट को राफ में हो जाएगा। तो इवन प्लेसेस में देखो क्या है तुम्हारा 8 है, ठीक है 2 है, और ये वाला हमें तुम्हें पता नहीं है कि क्या है, ये तो पता नहीं है क्या है, तो इसको एक्स मान लोगे, अगर पता नहीं है तो इसको एक्स मान लोगे, तुम्हें पता नहीं है ना तो नंबर क्या होगा, ठीक है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कि मान लो कि वहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो अभी इवन प्लस का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन प्लस में तुम्हारा 8 है, एक्स है और 2 है, मतलब 8 + x + 2 आएगा, ठीक है तो जोड़ो कितना हो गया 10 + x, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा देखो हम ऑड प्लेसेस का सम निकाले, ऑड प्लेसेस में क्या था 9 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 2 था, तो तीनों का सम निकाले 14 आ गया। इवन प्लेसेस का सम निकालो, इवन प्लेसेस में क्या है तुम्हारा 8 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 9 होगा, हाँ यहाँ पे 9 होगा,
दो नहीं होगा, नौ होगा, ये गलती से लिख दिए, ठीक है। तुम ठीक से देखो इवन प्रोसेस का जोड़ोगे तो क्या होगा, इवन प्रोसेस में देखो क्या है, ये एट है इवन प्रोसेस में, उसके बाद देखो इवन प्रोसेस में एक से, उसके बाद देखो इवन प्रोसेस में नौ है, ठीक है। तो एट और नाइन कितना होगा, सेवनटीन, सेवनटीन और प्लस एक, सेवनटीन प्लस एक्स, मतलब इसको हम एक्स मान लेंगे, मान लो कि वो एक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम पहले हम लार्जेस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम लार्जेस्ट बताते हैं उसके बाद स्मॉलेस्ट बताते हैं, पहले लार्जेस्ट वाला बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो डिजिट बिठेगा बैठाएगा ना, यह एक बार स्मॉलेस्ट बिठाना होगा, एक बार लार्जेस्ट बिठाना होगा, दो केस होगा। तो पहले लार्जेस्ट का बात करते हैं, स्मॉलेस्ट वाला बाद में बोल रहे हैं, उसका रीज़न है, ठीक है, वो बाद में हम बोल रहे हैं तुमको, ठीक है। तो पहले लार्जेस्ट का सोचो, तो देखो हम लोग का 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, पहले ऑड इवन पेयर में इसको बांटना होता है, उसके बाद ऑड और इवन से माइनस करना होता है, माइनस करके जो डिफरेंस होगा उसको देखना है कि वो जीरो होता है या तो 11 होता है या तो कोई भी एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल होता है। पहले हम नंबर को ऑड इवन पेयर में बांटेंगे, उसके बाद ऑड वाले को जोड़ेंगे, इवन वाले को जोड़ेंगे जो कि हम लोग किए, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेके ये क्या आना है, या तो जीरो आना है या तो 11 आना है या तो एक ऐसा नंबर आना है जो कि 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब देखो अगर तुम लार्जेस्ट निकालना चाहते हो ना, अगर लार्जेस्ट निकालना चाहते हो, यहाँ पे लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा, उसके लिए तुम्हें ऑड और इवन का जो माइनस करके उसको 11 से इक्वल करना होगा। मतलब क्या बोले, यहाँ पे जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस है दोनों का माइनस करना होगा, वही तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं ना, वो डिफरेंस किससे इक्वल करना है, 11 से इक्वल करना है, अगर लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे बिठाना चाहते हो तो, ये रूल है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, देखो माइनस करो दोनों को, इसको 11 से इक्वल करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग करते हैं ना, ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों को माइनस करते हैं, तो करके देखना होता है कि जो आया मेरा माइनस करके डिफरेंस करके वो क्या है, वो जीरो है या 11 है या कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल होगा, तब जाके ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो ये बेसिक रूल था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम लार्जेस्ट निकालना चाहते हो तो दोनों को माइनस करोगे, माइनस करके उससे 11 से इक्वल कर दोगे, 11 से, हमेशा ये याद रखना, अगर लार्जेस्ट निकालना चाहते हो तो, स्मॉलेस्ट के लिए अलग है, ठीक है, समझ में आया रूल। अच्छा करो, तो 17 माइनस 14 कितना होता है, 3 होता है, और ये तो प्लस 6 है, इसको ऐसे रख दिए। अच्छा x का वैल्यू कितना आएगा फिर, 11 3 तो उधर चल जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो 8 आ गया, मतलब x 8 हो गया, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा लार्जेस्ट डिजिट कितना निकला, 8 निकला। तुम क्या लिखोगे, तुम इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, उसको इरेज कर दो, यहाँ पे जो इरेज कर दी उसको इरेज कर दो, तुम लिखोगे लार्जेस्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, लार्जेस्ट डिजिट 8 होगा, हो गया। अब स्मॉलेस्ट में आते हैं, देखो स्मॉलेस्ट हम इसीलिए बाद में तुमको बोले, उसका रीज़न है, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, देखो इसका रीज़न है। तो स्मॉलेस्ट करने, अगर स्मॉलेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, ऑड प्लेस इवन प्लेस ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट निकालना चाहते हो तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, जैसे लार्जेस्ट का लिए थे, सेम होगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, और इस डिफरेंस को तुम्हें जीरो से इक्वल करना होगा, जीरो से। अगर स्मॉलेस्ट निकालना चाहते हो तो, लार्जेस्ट निकालना है तो डिफरेंस लेके उसको 11 से इक्वल करो, यहाँ पे 11 लिखोगे, अगर लार्जेस्ट निकालना चाहते हो तो, लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, अगर स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना चाहते हो तो उसको डिफरेंस लेके जीरो से इक्वल करो, स्मॉलेस्ट के लिए जीरो, लार्जेस्ट के लिए 11, ये रूल है, ठीक है। अब देखो एक्स का वैल्यू निकालो सेम तरीके से, तो 17 माइनस 14 3 होगा, जैसा एक्स था ऐसा रहेगा। अच्छा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे 3 प्लस है, साइड चेंज करते हो तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये तो मालूम है। तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 कितना आता है, माइनस 3 होता है, ठीक है, मतलब x का वैल्यू आ गया तुम्हारा माइनस 3। अब देखो x का वैल्यू अगर माइनस 3 है तो यहाँ पे तो माइनस 3 बिठाओगे तो माइनस 3 तो नहीं होगा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक नंबर है, नंबर का बीच में ऐसा तो माइनस साइन नहीं होता है ना, कभी देखे हो कि नंबर के बीच में एक माइनस साइन दिया हुआ है, ये तो नहीं होता है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट तुम नहीं निकाल सकते, मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर होगा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डिजिट लिखोगे तुम, स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं निकाल पाओगे, स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट निकालने जाओगे तो ये माइनस 3 आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं होगा, माइनस तो नहीं होता है, बीच में माइनस साइन कैसे होगा एक नंबर के बीच में, समझ में आ रहा बात। इसलिए स्मॉलेस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, इसका स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं होगा, सिर्फ लार्जेस्ट ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मॉलेस्ट किसी में नहीं होगा, इस नंबर के लिए स्मॉलेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, इस नंबर में लार्जेस्ट ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मॉलेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ में आ रहा बात। इसीलिए स्मॉलेस्ट डिजिट तुम नहीं करोगे, सिर्फ लार्जेस्ट ही निकालोगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट करने जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तुम ये जो अभी अभी तुमको दिखा है ना, उसको कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पे लिखोगे स्मॉलेस्ट डिजिट इज नॉट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट डिजिट पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि स्मॉलेस्ट करने जाओगे तो माइनस आ जाएगा, कैसे लिखोगे? ये जो रफ किए थे ना अभी अभी, इसको कॉपी करोगे ऐसे करके, ये डिफरेंस लिए थे ना हम, डिफरेंस लेके क्या किए थे, ये जो डिफरेंस लिए थे डिफरेंस करके इसको जीरो से इक्वल किए, इसको कॉपी करोगे, ये क्या किया थ्री प्लस एक्स इक्वल टू जीरो किए थे, वहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या था, जीरो माइनस थ्री था, एक्स इक्वल टू माइनस, इसको लिखोगे ठीक है, इसके उसके बाद अंत में ये वाला लिख दो कि स्मॉलेस्ट डिजिट पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है बात? चलो तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ बाकी कर पाओगे। और एक ठो सम तुम्हारा होमवर्क दिए, छः का एक ठो करा दिए ठीक है, बी वाला तुम्हारा होमवर्क है, बी वाला करोगे, दो ठो चेक करना, लार्जेस्ट भी चेक करना स्मॉलेस्ट भी चेक करना, दो ठो ही चेक करना ठीक है। हो सकता है कि उसमें दोनों ही हो, लार्जेस्ट भी होगा स्मॉलेस्ट भी होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लार्जेस्ट नहीं होगा सिर्फ स्मॉलेस्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है ठीक है, कोई भी हो सकता है, तुम्हें चेक करना होगा पहले, चेक करके उसके बाद लिखना होगा ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म ठीक है, चैप्टर खत्म नहीं है, और भी बहुत सारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज खत्म है ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। थैंक यू।